हमीरपुर में सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजन किया गया। नई कार्यकारिणी के गठन के बाद यह पहली बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग सभी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में खूब गहमागहमी भी हुई। हालांकि बैठक में जिलाध्यक्ष राजेंद्र जार ने कड़े शब्दों में अनुशासनहीनता पर कार्यवाही करने की बात कही। वह बैठक में आक्रामक तेवर से नजर आए। इस बैठक के दौरान कई प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में कुछ पदाधिकारियों ने पार्टी से नाराज चल रहे कुछ नेताओं की वकालत भी की, जिस पर जिला अध्यक्ष ने उनको आड़े हाथों लिया। मीटिंग तो बहुत बढ़िया रही और काफी समय के बाद इस तरह की मीटिंग हुई और लोगों ने बड़ा साथ दिया और जिस ढंग से कार्यकारिणी बनी है उसमें नए पुराने का कॉम्बिनेशन हमने रखा और वो लोग जो घर में बैठ चुके थे उन कार्यकर्ताओं को भी हमने घर से बाहर निकाला और कार्यकारिणी में उनको स्थान दिया है, जो कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी का ईमानदारी से काम करते आ रहे हैं। वो बहुत सारे मुद्दे थे, कोई 14-12 मुद्दे थे। आपको उसकी मिली है आपको कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी, नाराजगी भी कोई नहीं। एक तो उप्रधान है, वो किसी और का केस डिफेंड कर रहा है। अब वो उस आदमी का केस डिफेंड कर रहा था जिसके घर से पहले ही जनरल सेक्रेटरी बना हुआ है। अब घर के ही लोग थोड़ी जनरल सेक्रेटरी बना देंगे, एक ही घर के आप कितने बनाओगे जनरल सेक्रेटरी? वो अपना केस नहीं दूसरे के केस डिफेंड कर रहे हैं और दूसरे को मैंने पहले ही कहा था जो ब्लॉक का अध्यक्ष था सुनील कुमार कि तेरा नाम भेजा था पर चलो किसी वजह से वो नहीं हो पाया तो मैं आगे महीने मैंने अध्यक्ष से बात की है प्रदेश अध्यक्ष से, उसने कहा थोड़ा ठहर के इसको एडजस्ट कर लेंगे और उसके बावजूद दूसरों के कहने पे इस ढंग से इस तरीका ठीक नहीं है। जब मैं खुद ऑफर दे रहा हूँ कि मेरे पास सीधे आओ से बात करो और जो भी तुम्हारी आपत्ति है कोई ग्रीवेंसेस है वो मैं उनको दूर करने की कोशिश करूँगा, इससे ज़्यादा मैं क्या ऑफर कर सकता हूँ। और पूरी पार्टी में बिल्कुल एकता है, पूरी तरह जितने भी लोग हैं मेरे साथ हैं और पार्टी का साथ दे रहे हैं। आपने देख लिया किस ढंग से हमारी जो प्रोटेस्ट रैली हुई, कभी देखा था ऐसे इतने लोग पहले कभी देखा था 10 सालों में? तो ये काम करने की क्षमता होनी चाहिए। इससे पहले हमीरपुर से ब्यूरो प्रमुख सुरेंद्र कटोच की रिपोर्ट।